वेलकम this is दिस इज part नॉलेज आई एम ईशा challenges of चैप्टर बिल्डिंग जैसा कि आप जानते हैं हम सारे ही important chapters के important टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन and answers साथ ही साथ में मैंने सारे ही चैप्टर्स की ज्यादातर picture क्वेश्चन को पूरा किया है फिल किया है पहले सारे पिक्चर बेस्ड सीरीज हम कर रहे थे पैसेज सीरीज भी हमने करी है फॉर क्लास आई होप अगर नहीं देखी पहले आप वो वाली को जरूर friends, ये सारे भी आपके लिए उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, जितने ये सारे चैप्टर्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है बिगिन करते हैं दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर

लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्री या कह सकते हो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जो इतनी आसानी से इंडिया में मर्ज नहीं हुए दे प्रॉब्लम्स ओके एंड ये जो टास्क टास्क था पटेल इट नॉट एन बहुत आसान टास्क नहीं था ही हैड टू अप्लाई सर्टन टैक्टिक्स कहीं पर करना पड़ा मनाना पड़ा मिलिट्री यूज करना पड़ा बहुत सारी चीजें थी इसी तरीके से अगर हम देखें तो हैदराबाद का जो असेशन हुआ ठीक है असेशन मतलब क्या इनकॉपरेट होना मिल जाना इंडिया का पार्ट बन जाना ठीक है वो जो हुआ 1948 में वो किस तरीके से हुआ उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे ठीक है आपको पता है कि हैदराबाद में निजाम के रूल थे राइट वहां पे लोग उस निजाम के अगेंस्ट खुश नहीं थे विद द विदाम रूल राइट वर डिसाइड कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट और ऐसे में जो अपोजिशन पार्टीज थी वहां पे निजाम के अगेंस्ट हो गए लोगों को उन्होंने अपने साथ कर लिया निज़ाम के अगेंस्ट एंड कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा निज़ाम को अब अगर ऐसी कोई चीजें अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए यूज कर रहे हो पैरामिलिट्री फोर्सेस अटैक करा रहे हो लोगों पर तो ऑब्वियसली लोग कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे वो अगेन उसके अगेंस्ट ही हो जाएंगे इन और दे विल और दे विल दे विल गेट इवन मोर प्रोटेस्टेड राइट तो ये होगा तो यही चीजें थी जिसकी वजह से जो है असेशन हो पाया मिल मिल गया फाइनली क्योंकि तो लोग चाहते थे कि निजाम डिन वांटेड कि वो इंडिया का पार्ट बने लेकिन द पीपल वर अनहैप्पी एंड दैट एडवांटेज गॉट जवाहरलाल नेहरू सॉरी सरदार पटेल गॉट दी एडवांटेज ऑफ दिस ठीक है इसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक तो करते हैं विद डेस्टिनी ठीक है एक इंडिया जब फ्री हुआ राइट इंडिपेंडेंस की जब घोषणा की गई अनाउंसमेंट की गई उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल मीटिंग एक स्पेशल सेशन बुलाया ठीक है ऑफ दसेंबली ऑन द फोर्टी की रातरह की बुलाया गया, अप, के बाद इसी को ही ट्रेस्ट विद डेस्टनी कहा गया है ठीक है यहाँ अगर हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं ऑब्वियसली एक टू नेशन थ्योरी थी जो की कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने इनिशिएट uh, करी राइट right? सो so, ये ट्यूनेशन थ्योरी भी आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है इस इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं वो सेपरेट हैं अलग हैं मतलब उनके कल्चर अलग है उनके ट्रेडिशन अलग हैं उनका कस्टम अलग है तो हम एक साथ कैसे हो सकते हैं इट्स गुड कि हम अलग अलग रह लेते हैं ठीक है मुस्लिम्स हिंदू से डिफरेंट है हिंदूज uh, मुस्लिम से डिफरेंट हैं तो एक अलग होमलैंड होना अगर सबका अलग अलग सेपरेट होमलैंड हो ताकि ना हमें मुस्लिम लीग तो ने ठीक है इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट थ्रू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 तो ये एक टू नेशन थ्योरी थी जो इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है यही हम देखते हैं कि एक स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था है ना तो ये कब बना इसकी अपॉइंटमेंट कब हुई 1953 में हुई है ना कि किस तरीके से आप कंट्री को उनके लिंग्विस्टिक डिविजन के बेसिस पे डिवाइड करोगे और साथ ही साथ में येट कंट्री विल बी यूनाइटेड ठीक है तो स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में इससे ठीक है इसी से हमारी चौदह स्टेट्स और सिक्स यूनियन टेरिटरीज बनाई गई तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बुक से मैंने लिया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्लियर इसके बाद द लास्ट टॉपिक इज की एग्जैक्टली फ्रंटियर गांधी आपके लिए ये वन मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी सो आपको पता होना चाहिए कि खान अब्दुल गफर खान को हम क्या कहते है? हैं फ्रंटियर गांधी कहलाते हैं

कि इसके बाद हम सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एड ऑन टॉपिक्स हैं वो जो मैंने लेफ्ट कर दिए हैं कहीं ना कहीं रह गए या छूट गए हैं वो मैं कंप्लीट करूँगी इन सेपरेट वीडियोस ठीक है सो स्टेट ट्यून एवरीवन फॉर फर्दर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू